Hello friends, I am your physics faculty from QLS Academy. Today we will learn about laboratory thermometer and transfer of heat. I hope you will enjoy learning. So let's start with our lesson today. Laboratory thermometer. Last class, we have studied about clinical thermometer. What was clinical thermometer? Clinical thermometer measures the temperature of our body. Now, moving further, we will study about laboratory thermometer. Acha. अभी तो हमने पढ़ा क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में बट क्लिनिकल थर्मामीटर तो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर बताता है बाकी ऑब्जेक्ट्स का अगर हमें टेम्परेचर जानना हो तो हम क्लिनिकल थर्मामीटर हर जगह लेके थोड़ी बोलेंगे उसकी तो रेंज भी होती है ना मैंने आपको बताया था थर्टी से फोर्टी तब आप क्या करोगे फॉर दिस पर्पज़ अदर थर्मामीटर्स आर यूज सच थर्मामीटर्स आर नोन एज बॉरेटरी थर्मोमीटर्स नाम से ही पता चल रहा होगा लेबोरेटरी लैब में यूज करने वाले ना एक्सपेरिमेंट्स में यूज करने वाले लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स अब अगर ध्यान से इसे देखो तो आपको दिखेगा हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर दिखा द रेंज ऑफ दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज यूजुअली फ्रॉम माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस येस दैट्स वार एम टेलिंग यू क्लिनिकल में थर्टी फाइव से फोर्टी टू था यहाँ पे माइनस टेन से वन वन जीरो डिग्री सेल्सियस है एंड जैसे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में लिया था वैसे ही यहाँ पर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं हाउ मच अ स्मॉल डिविजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीट्स अच्छा चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं ये जानने के लिए कि इसे यूज कैसे करते हैं ठीक है एक्टिविटी नंबर फोर प्रीवियस एक्टिविटीज़ में हमने क्लिनिकल के बारे में पढ़ लिया था नाउ वी कम टू एक्टिविटी नंबर फोर दैट इज

क्लिनिकल में तो हर जगह पर हो जाता है बट इसमें वी हैव टू होल्ड इट वर्टिकली अब जो मर्करी का मूवमेंट है वो हमें ऑब्जर्व करना है बेसिकली यहाँ पर वेट टिल द मर्की थ्रेड बिकम्स स्टडी वो ऊपर जाते जाएगा या नीचे जाते जाएगा जो भी होगा जो भी चेंजेस उसमें आएंगे वी विल वेट कि वो थ्रेड जो है वो स्टडी बन जाए नोट द रीडिंग्स ऑब्वियसली नोट करेंगे रीडिंग दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट दैट टाइम उस टाइम पे उस पर्टिकुलर टाइम एंड टेम्परेचर पे वो जो रीडिंग निकली वो है हमारा वाटर का टेम्परेचर अब क्लास के सारे स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट आया मतलब जो उन्होंने मेजर किया टेम्परेचर उन सब के रिजल्ट को कंपेयर करो सब ने सेम तरीके से किया वर्टिकल का जब मर्करी कांस्टेंट हो गई तब उसका मेजर किया एक टेबल वेबल बना लिया और फिर हमने कंपेयर किया आर वेरिएशंस डिस्कस करो नाउ तब तक के लिए हम अपनी दूसरी एक्टिविटी करते हैं एक्टिविटी नंबर फाइव

कि जब से हमने थर्मामीटर निकाला है मर्करी का जो वो एक लेवल कांस्टेंट हो गया था वाटर में वो घटता जा रहा है वो डिक्रीज होता जा रहा है दिस मीन्स टेम्परेचर मस्ट बी रेड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर क्योंकि जैसे ही हम थर्मामीटर निकालेंगे उसका जो मर्करी का जो लेवल है वो घटता जाएगा दैट्स या फिर बढ़ता जाएगा वो अपने सिचुएशन के ऊपर होता है डिपेंड तभी ये वाटर का एक्चुअल टेम्परेचर पता चलेगा जब हम उसको वाटर में ही डुबाकर उसका मेजरमेंट लेंगे नहीं तो अगर हमने नहीं लिया तो इसका लेवल फॉल डाउन हो जाएगा एंड हमें करेक्ट रीडिंग्स नहीं मिल पाएंगी तो आपको लेबॉरेटरी थर्मोमीटर में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको बॉडी के टच में रह ही उसका टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा उसको हम निकाल कर नहीं कर सकते अब क्या आप ये सोच रहे हो कि यार लेबॉरेटरी थर्मोमीटर की रेंज तो मेरे बॉडी टेम्परेचर में भी आ रही है तो क्या मैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की जगह लेबॉरेट्री थर्मोमीटर यूज़ कर लूँ <laughs> नहीं इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ लेबॉरेट्री थर्मोमीटर इन प्लेस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर भले ही क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज आपके लेबॉरेटरी थर्मोमीटर के अंदर आ रही है बट आप नहीं यूज़ करोगे ठीक है वाई डज़ द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर विन वी टेक आउट ऑफ माउथ या अभी मैंने आपको बोला था कि हम जब लेबॉरेटरी थर्मामीटर का एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और अगर हमें मेजर करना है किसी चीज़ का टेम्परेचर तो हम उसको बाहर निकाल के नहीं मेजर करेंगे उसको उसके टच में ही मेजर करेंगे बट जो आप घर में यूज़ करते हो क्लिनिकल थर्मामीटर वो तो आप बाहर निकालते हो आराम से उसके बाद उसको देखते हो और मरकरी का लेवल तो काफ़ी टाइम तक एग्जैक्ट एक ही रहता है आप सबको दिखा भी देते हो देखो देखो इसको इतना फीवर है तो वाइड डज द मरकरी नॉट फॉलो राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर वेन वी टेक आउट ऑफ अ माउथ अच्छा वापस से एक क्लिनिकल थर्मामीटर लो एंड उसे ध्यान से ऑब्जर्व करो डू यू सी किंक नियर द बल्ब इज इट्स यूज आई टेल यू इट प्रिवेंट्स द मर्क लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन दैट्स वॉट्स द स्पेशलिटी ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर में कि जो किंक है दैट प्रिवेंट्स द मर्कुरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन लेबोरेटरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है वो जल्दी से गिर जाता है बाय द वे देर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर्स बहुत सारे कंसर्न रहते हैं इसके मर्करी इज टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज इफ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स डेट ठीक है दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर यूज विच ड नॉट कंटेन मर्करी ओके अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट सारे के सारे थर्मोमीटर्स दोनों के बारे में पढ़ लिया नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट अच्छा वैसे ये चैप्टर पूरा तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है एंड आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बिकॉज कल और पढ़ के हम खत्म कर देंगे ओके okay? तो ये टॉपिक हम आधा पढ़ते हैं आज सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन वी कीप इट ऑन अ फ्लेम ओके ये तो पता ही है इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स वेन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर वो धीरे से ठंडा हो जाता है ये तो मम्मा बोलती है ना कि नहीं नहीं अभी मत छुओ उसको गर्म है अभी मत छुओ जब वो ठंडा हो जाएगा तब छू लेना बचपन से डैड खाते आ रहे हैं वाई डज़ इट कूल डाउन बाय द वे उतना टाइम इतना गर्म रहता है फिर बाद में ठंडा क्यों हो जाता है द हीट इज़ ट्रांसफोर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स उसकी जो हीट है वो कहाँ जाती है आपको अब पता चलेगा कि वो हीट एक्चुअली सराउंडिंग्स में चले जाती हैं जब आप थोड़ा सा उसके पास जैसे ये बहुत गर्म गर्म है इसके पास ला रहे हो आप तो थोड़ा आपको हीट फील होती है ना वही हीट सराउंडिंग्स में जा रही होती है सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ द केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट पर हीट ट्रांसफ़र होती है इन फैक्ट इन ऑल केसेज हीट फ्लोज फ्राम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट सिर्फ इस एक्ट सिर्फ इस केस में नहीं होता है चलो एक एक्टिविटी करते हैं इससे रिलेटेड दैट इज एक्टिविटी नंबर सिक्स टेक अ रॉड ऑफ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल सी ऑफ अल्यूमिनियम और आयरन अल्यूमिनियम और आयरन की स्ट्रिप ले लिया अपन ने ओके फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड दी पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस ओके आपको डायग्राम में दिख गया हाँ रॉड को एक स्टैंड के सपोर्ट से फंसा दो अगर आपको स्टैंड नहीं मिल रहा है ना तो आप कहीं से जो ब्रिक्स होती है ना ब्रिक्स दो ब्रिक्स के बीच में भी रॉड फंसा सकते हो ठीक है नाउ हीट द आउटर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व वट हैपन्स टू द वैक्स पीसेस दिख रहा है आपको एक टप 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 एक एक करके सब गिर रहे हैं क्या ये गिर रहे हैं और सबसे पहले कौन सा पीस गिर रहा है सबसे फर्स्ट वाला ना अब धीरे धीरे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सारे सारे धीरे धीरे टप 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 हो रहे हैं डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफोर्ड फ्रॉम द नियरस्ट एंड टू द फ्लेम टू द अदर एंड फ्लेम के सबसे पास वाले एंड से लेकर सबसे दूर वाले एंड इस डायरेक्शन में वो टप टप हो रही है मतलब इस डायरेक्शन में वैक्स पे घल रहा है द प्रोसेस बाई विच हीट इज़ ट्रांसफोर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एकदम एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा तो वॉट इज कंडक्शन अगर पूछेगा तो आप क्या बोलोगे द प्रोसेस बाई विच हीट इज ट्रांसफोर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन सॉलिड्स में जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाई द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ठीक है सॉलिड्स में कंडक्शन के ही प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होती है इसी से रिलेटेड अगर हम आपसे आप क्वेश्चन पूछूँ अगर मैं तो क्या बता पाओगे आप क्वेश्चन में पूछती हूँ डू ऑल द सब्सटेंसेज कंडक्ट हीट ईजीली नहीं ऐसा तो नहीं है आपने देखा होगा घर पर जो मेटालिक पैन होता है उसमें वुडन या प्लास्टिक हैंडल होता है क्यों होता है वो आई गेस अब आप इन सबका आंसर दे सकते हो कि नहीं यार कुछ कुछ में टाइम लगाता है कुछ कुछ में जल्दी से हो जाता है पैन का ही एग्जाम्पल ले लो पैन का मेटल पैन उससे बनता है एल्यूमिनियम वगैरह से जल्दी से गर्म हो जाता है उसके ऊपर वुडन वाला हमारे पास एक पकड़ने का रहता है वो देर से होता है तो इससे हम फर्स्ट आंसर दे सकते हैं ना कि नहीं कुछ कुछ सब्सटेंसेज में हीट देर से ट्रांसफ़र होती है तो अब हम आज का टॉपिक यहीं कर खत्म कर देते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड जस्ट आगे वाले सब टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे टू कंक्लूड दिस लेसन वी लर्न अबाउट लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड ट्रांसफर ऑफ हीट होप यू ऑल इन्जॉय टूडेज लर्निंग फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन और क्वेरीज काइंडली गो टू द फॉलोइंग लिंक थैंक यू